क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आप सभी जानते होंगे। पुर्तगाल के फुटबॉल टीम के कप्तान हैं और मशहूर फुटबॉल प्लेयर हैं। अक्सर अपने खेल के जरिए मैदान में जिस तरीके से वो किक मारते हैं उससे वो सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार सुर्खियों में रहने की वजह कुछ और है। दरअसल यूरो कप से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए रोनाल्डो पहुंचे हुए थे अपने कोच के साथ और टेबल पर दो कोक की बॉटल्स रखी हुई थी। अब रोनाल्डो वहाँ पर आते हैं, कोक की बॉटल वहाँ से हटाते हैं और पानी की बॉटल वहाँ पर अपने सामने रखते हैं। इसके बाद हुआ ये कि कोक कंपनी को 4 बिलियन का नुकसान अचानक से हो गया। कोक का इस्तेमाल ना करने की सलाह दी रोनाल्डो ने और साथ ही पानी का इसके बदले सेवन करने की इस्तेमाल करने की सलाह दी। अब इसके बाद से सोशल मीडिया पर वीडियो छा गया, ट्रेंड करने लग गया ये सोशल मीडिया पर वीडियो, और साथ ही कुछ लोग ऐसे दिखाई दिए सोशल मीडिया पर जो फिटनेस आइकन मानने लग गए रोनाल्डो को। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पर ऐसे हैं जो उन पर दोगलापन का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना ये है कि दरअसल कुछ वक्त पहले रोनाल्डो विज्ञापन किया करते थे, कोक का प्रचार किया करते थे, अब अचानक से इस तरीके से कोक की बॉटल को हटा देना उनके दोगलेपन को दिखाता है। अब ये वीडियो आपको कितना पसंद आया इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।